आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल, रिस्की और अनसर्टेन। तो स्पेक्युलेटिव से हम याद रखेंगे, स्पेक से हम याद रखेंगे इंस्पेक्ट या फिर स्पेक्ट, मतलब हमारे स्पेक्स, और लेटिव से हम याद रखेंगे लेट। तो अगर इंस्पेक्शन जितने लेट होगा उतना ही हम रिस्की या अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे। और स्पेक्स से आपको याद रखना है तो स्पेक्स जितना हमें लेट मिलेगा, हमको जो भी दिखाई देगा वो अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। देन हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, प्लंजिंग। प्लंजिंग का मतलब होता है ड्रॉपिंग, रिड्यूसिंग और डाउनवर्ड। सो प्लंजिंग से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक प्लकिंग। तो जब हम प्लकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली रिड्यूस करने के लिए ही, सो इट इज प्लंजिंग साउंड्स लाइक प्लकिंग। नेक्स्ट वर्ड है टॉटेड, जिसका मतलब होता है एडवर्टाइज्ड, पब्लिसाइज्ड और रिवील। सो टॉटेड से हम याद रखेंगे, बस हम टॉट ले लेंगे तो टीच का जो V2 है दैट इज टॉट। तो टॉट से हम याद रखेंगे जितना वो टीचिंग करेगा या करेगी, मतलब टॉट से, टीचिंग से वो अपनी नॉलेज रिवील कर सकते हैं, दैट मीन्स एडवर्टाइज और पब्लिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब होता है डाउनसाइड, डिफिकल्टी और हजार्ड। तो बस फॉल से हम याद रखेंगे डाउनसाइड। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है सेंट्रल, कोर और नेचुरल। तो इनसे हम याद रखेंगे अंदरूनी, और सिक से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक सिक, मतलब बीमार। तो कोई अंदरूनी डिजीज है, मतलब नेचुरल कॉज है या नेचुरल डिजीज है, ऐसे हम याद रखेंगे इंट्रिंसिक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मिनिस्कूल। मिनिस्कूल का मतलब होता है टाइनी, माइन्यूट और लिटिल। तो इस माइन्यूट से आप माइन्यूट याद रख सकते हो या फिर आप मिनी से छोटा याद रखो और स्कूल से ये स्कूल आप याद रख सकते हो। तो मतलब छोटा स्कूल, मतलब माइन्यूट, टाइनी और लिटिल। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टेल विंड, जिसका मतलब होता है हेड विंड और फॉलिंग विंड। सपोज हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पीछे से जो विंड हो रही है दैट इज हेड विंड और टेल विंड। तो ये टेल से ही हम याद रखेंगे टेल विंड। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड इनफ्रिंज। इनफ्रिंज का मतलब होता है डिसरिगार्ड, ब्रेक और वॉयलेट। सो इन मतलब अंदर और फ्रिंज साउंड्स लाइक फ्रिज। तो हम खुद तो फ्रिज में जा नहीं सकते, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर इन फ्रिज इज वॉयलेटिंग, ब्रेकिंग और डिसरिगार्डिंग। तो हम इन फ्रिंज से इन फ्रिज याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्लंज। प्लंज का मतलब होता है फॉल, ड्रॉप और जंप। तो वो जो वर्ड था प्लंजिंग, दैट मीन्स हमने याद रखा था इट साउंड्स लाइक प्लकिंग। तो यहाँ से भी प्लंज से हम प्लक याद रखेंगे, मतलब रिड्यूस करना या ड्रॉप करना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्वर्क। क्वर्क का मतलब होता है चांस, कोइंसिडेंस और ट्विस्ट। सो क्वर्क साउंड्स लाइक क्विक। तो जितने जल्दी हमें चांस मिले, मतलब हम चांस ले लेते हैं, जितनी जल्दी हो हम चांस ले लेते हैं, मतलब एक कोइंसिडेंस हो जाता है वो, वहाँ से हम ट्विस्ट ले लेते हैं। तो ये थे आज के हमारे 28 सितंबर 2022 के द हिंदू वोकैबुलरी विद मेमोनिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।